हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइकस प्लांट है और इस फाइकस प्लांट की आज मैं आप लोगों को प्रूनिंग करना बताऊंगी। मेरा प्लांट काफ़ी हाइट में बड़ा हो गया है और काफ़ी घना भी हो गया है, जो कि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है देखने में, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ। काफ़ी दिनों से प्रूनिंग पे कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, हाइट में काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को प्रूनिंग करना मैं बताती भी हूँ। पहले भी मैंने बताया है, कई वीडियो डाले हैं, लेकिन फाइकस प्लांट में प्रूनिंग का कोई वीडियो नहीं है अभी तक। तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्लांट को थोड़ा सेप भी दे दूँ और आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि इधर बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई तो प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ किए। और आप देख सकते हैं ये हाइट में कितना बड़ा हो गया। नीचे से देखिए इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, और इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है इसका। तो इसके बहुत प्यारे प्यारे बोनसोई भी बनते हैं, देखिए जड़ें तक ऊपर आ गई हैं। तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है, इसका लुक थोड़ा मुझे ख़राब लग रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी प्रूनिंग करके कैसे इसे मैं छोटा सा कर दूँगी, और इसका हार्ड, इसका जो है हार्ड प्रूनिंग भी करूँगी और सॉफ्ट भी करूँगी। तो आप लोग इसका देखिए, ये एक पेड़ बन गया है पूरा, ये देखिए। तो ये पूरा पेड़ बन गया है, आप लोग इसकी हाइट देख सकते हैं, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि प्रूनिंग करना कितना आसान है। और जब हम प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट को एक शेप देते हैं दोस्तों, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो यही इसके केयर के बारे में मैंने पहले वीडियो डाला है, इसकी कटिंग भी मैंने बताई है। आज मैं इसकी प्रूनिंग करना बताऊंगी, और ये कटिंग से भी बहुत अच्छा तैयार होता है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। फाइकस प्लांट्स दोस्तों समर सीजन का प्लांट होता है, और समर सीजन में ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखी जाती है। और ये आउटडोर इंडोर दोनों प्लांट हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर में आप ब्राइट लाइट जहाँ आती है वहाँ रखिए, और आउटडोर में आप लोग इसको कम से कम 4 से 5-6 घंटे की धूप इसको रोज़ाना मिलनी चाहिए। और आउटडोर में आप ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ कम सनलाइट आती हो, ये कम सनलाइट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आज मैं, इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका लुक ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती भी हूँ और अपने प्लांट को कुछ सेप भी देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रूनिंग, जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे और जो न्यू गार्डनिंग दोस्त हैं हमारे, तो वो काफ़ी डरते हैं कि प्रूनिंग करने से हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रूनिंग करना बहुत अच्छा होता है प्लांटों के लिए। प्लांट की जितनी प्रूनिंग होगी उतनी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और नई नई ब्रांचें बनेंगी। जब हम एक ब्रांच को काटते हैं तो वहाँ से कम 3 से 4 ब्रांचें निकलती हैं। तो प्रूनिंग करना प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी दोस्तों होता है। तो वही मैंने सोचा कि आज हम प्रूनिंग पे बताते हैं आपको, प्रूनिंग कैसे की जाती हैं। और आप लोग बिल्कुल भी मत डरा करिए, प्रूनिंग करना तो प्लांट को नई नई ग्रोथ के लिए तैयार करना होता है दोस्तों। उसको ख़राब करना थोड़े ही होता है कि हमने प्रूनिंग कर दिया तो मेरा प्लांट ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको वहम है ये, तो इसीलिए मैंने आज ये सोचा ये काम करने को, क्योंकि इसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा जंगल जैसा लग रहा है और प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आपको पीछे पानी दिख रहा होगा, तो अभी मैंने प्लांटों में पानी दिया है इसलिए पानी दिख रहा है आप लोगों को। और अभी मैं इस पर वीडियो बना के इसमें भी पानी डालूंगी। और इसकी प्रूनिंग करना बहुत आसान है दोस्तों, ये जैसे ब्रांचें बाहर को निकली हैं, जितनी बाहर ब्रांचें दिख रही हैं ये सब मैं हटा दूंगी। तो प्रूनिंग करना का कोई मतलब ख़ास तरीका नहीं होता है, आप कटर उठाइए और काटना शुरू कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, आप जैसे भी करना चाहते हैं कर दीजिए। और ये देखिए, तो ये देखिए मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ।
कैंची ले लीजिए, कटर ले लिए, जैसे जो आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। इस तरह से प्रूनिंग कर दीजिए, छोटी छोटी ब्रांचेस की हटा दीजिए जो बाहर साइड में है। इस तरह से आपको कुछ ये नहीं तय करना कहाँ से प्रूनिंग करना, प्रूनिंग कहीं से भी आप कर दीजिए। तो पहले हम सॉफ्ट करेंगे, देखेंगे क्या है, अगर इसका लुक अच्छा आएगा तो हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, और अगर नहीं इसका लुक अच्छा आएगा तो फिर हार्ड प्रूनिंग भी कर देंगे इसकी। इस तरह से आपको काटना है। ये देखिए, जो बाहर साइड में निकली होती उनको ऐसे ही आप काट दीजिए ताकि इसका लुक और अच्छा लगे इसका। तो वही मैंने सोचा आज आपको दिखाती भी हूँ। और प्रूनिंग करने से काफ़ी अच्छा हो जाता है प्लांट हमारा। इसकी मैंने केयर आप लोगों को बताई है, आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो मेरा। ये देखिए दोस्तों, जिस जैसे ऐसे है इसको हम काट देंगे, काफ़ी ज़्यादा आउट लगता है देखने में। बहुत ज़्यादा ब्रांचें होती तो कैंची से कटती नहीं है, मोटी अगर होती है तो सॉफ्ट तो कट जाती है। ये देखिए इस तरह से इसको काट देंगे, जितनी भी ब्रांचें बाहर साइड में निकली हैं उनको थोड़ा सा छांट देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा और ग्रोथ अच्छी हो और इसका लुक अच्छा लगे देखने में। तो ऐसे ही सॉफ्ट, ये देखिए प्रूनिंग, जैसे ये सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रांचें हैं ये हमको हटा देनी है थोड़ी सी, तो इसका लुक अच्छा आ जाएगा देखने में इस तरह से। प्रूनिंग करना बहुत आसान है, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि हम अपना पेड़ अगर काटेंगे तो ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। प्रूनिंग करने से हमारा प्लांट और अच्छा हो जाता है, उसका लुक अच्छा लगता है देखने में। उसको आप किसी भी शेप में कर सकते हैं, और फाइकस प्लांट का बहुत ही प्यारे प्यारे बोनसोई भी बनाए जाते हैं दोस्तों। ये ग्रीन वाला फाइकस है, और एक वेरिएटेड फाइकस आता है जिसकी पत्तियां बहुत ही प्यारी लगती हैं। कोई भी प्लांट हो सभी अच्छे लगते हैं, बस हमको उनकी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो हेल्दी रहें। फ्लावर और फूड बात की बात है कि बाद में तो देंगे ही, लेकिन सबसे पहले हमारा मकसद यही होता है कि हम अपने प्लांट को हेल्दी कैसे रखें। प्रूनिंग करना बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कटर उठाना है और काटना है। तो मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग तो कर ही दिया है, अब थोड़ा सा हार्ड प्रूनिंग देखती हूँ कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से ब्रांचें काटनी है। हार्ड प्रूनिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि सॉफ्ट में तो आप काटते चले जाते हैं, लेकिन हार्ड में जैसे ये वाली मोटी वाली ब्रांच है हमारी, ये देखिए ये वाली, तो इसको कैसे काटना है, जैसे कि देखिए यहाँ से ब्रांच निकली हुई है तो हमको काटना है, तो हम ऊपर से काटेंगे बीच से, जहाँ से इसका ये देखिए ये यहाँ से ब्रांच निकली है तो यहाँ से और ब्रांचें निकलेंगी दोस्तों, यहाँ से निकली है यहाँ से और निकलेंगी, और तीन चार ब्रांचें निकलेंगी। तो प्रूनिंग करना बहुत आसान है, आप लोग इसी तरह कर सकते हैं, हार्ड और सॉफ्ट दोनों। पहले भी वीडियो मैंने डाले हैं हार्ड प्रूनिंग का, सॉफ्ट प्रूनिंग का, तो आज मैंने हार्ड भी किया सॉफ्ट भी किया। जैसे ये देखिए ये ब्रांच है ये वाली मोटी वाली, तो इसको मैं यहाँ से काट दूँगी। ये देखिए ये मैंने काट दिया है, और इसका लुक भी ये काफ़ी बड़ा हो गया था इसका। ये देखिए ये भी हार्ड प्रूनिंग किया है और ये भी किया है, तो यहाँ से देखिएगा आगे चल के इसमें तीन चार ब्रांचें निकलेंगी यहीं से। तो प्रूनिंग करना प्लांट के लिए ज़रूरी भी होता है दोस्तों, और अच्छा भी होता है कि प्रूनिंग हो जाती है तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और एक शेप भी मिल जाता है इनको। ये देखिए बस ऐसे आपको काट देना है अगर आपको कोई शेप देना है तो ये मैंने शेप दे दिया, आप लोग देख सकते हैं।
ये देखिए कितना सारा कचरा निकला है। आप चाहें तो ऐसी ब्रांच जो है आप कटिंग के तौर पे लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाली है, आप इसको कलम के तौर पे लगा सकते हैं। ये देखिए ये काफ़ी अच्छी है, मोटी है डंडी और ये लग भी जाएगी। तो कुछ जैसे आपको तैयार करना है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्ज़ी है आप कटिंग लगाइए या ना लगाइए। लेकिन प्रूनिंग करके हमने इसका शेप काफ़ी अच्छा कर दिया है दोस्तों, और पीले पत्ते हटा देने हैं क्योंकि फाइकस प्लांट का बोनसोई भी बनाया जाता है, इसीलिए इसको लुक में अच्छा करना हम लोगों का काम होता है। ये देखिए एक अलग से प्लांट निकला है दोस्तों, और ये नीचे की ओर लगा हुआ है, इसको भी मैं अलग कर दूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। आज मैंने इसकी प्रूनिंग कर दिया है तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है आप देखने में। प्लांट अगर गमले में लगे होते हैं तो बहुत बड़े घने नहीं अच्छे लगते हैं, छोटा प्लांट हो, अच्छा हो, हेल्दी हो, तो वो देखने में थोड़ा लुक उसका अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसको मैंने काफ़ी छोटा कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ छोटा हो ही गया है, काफ़ी बड़ा था। तो नीचे देख सकते हैं आप काफ़ी कचरा निकला है, ये देखिए इसके, और ये देखिए। तो इसको मैं खाद में यूज़ कर लेती हूँ, और जो मोटी ब्रांचें हैं उनको मैं कटिंग के तौर पे लगा दूँगी, अगर मन होगा तो लगा दूँगी, वरना इसको मैं हटा दूँगी बिल्कुल ही। इसका शेप आप देख सकते हैं, और फाइकस के प्लांट में मैंने बताया है आप लोगों को क्या क्या करना होता है और कैसे इसकी केयर की जाती है। इसकी कटिंग भी मैंने बताया था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से इसकी कटिंग फेल हो गई थी मेरी। मैं फिर से लगाऊंगी, अभी मैं देखती हूँ इसमें कुछ लगाने वाली कटिंग होगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, लगा दूंगी उसको। और फाइकस के प्लांट में आपको कुछ दो तीन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि मिट्टी को बहुत वेल ड्रेन बनानी है, मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए। ये ग्रीन वाला फाइकस, इसमें एक वेरीगेटेड फाइकस आता है, वो भी बहुत ही प्यारा लगता है, उसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी लगती, बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। और ये ग्रीन वाला है, और इसको फुल सनलाइट में भी रखेंगे आप तो इसका क्या होगा, फुल सनलाइट में रखने से जैसे पत्तियाँ इसकी बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी, ये देखिए पत्ती सूख जाती हैं और पीली हो जाती हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट में, फुल सनलाइट में, जैसे हीट वाली गर्मी होती है उसमें मत रखिए, जहाँ पे 3 से 4 घंटे की सनलाइट इसको मिल जाए तब भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, और अगर 5 घंटे की सनलाइट मिल जाए तब भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इंडोर में आप रख सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आती हो, लेकिन कभी कभी इसको सनलाइट में रखने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। आउटडोर प्लांट हो या इंडोर प्लांट हो, उसको कुछ घंटों की सनलाइट तो चाहिए होती है, और सनलाइट मिलेगी तभी प्लांट हमारा हेल्दी होगा, ग्रोथ अच्छी करेगा और उसमें अच्छी ब्रांचें निकलेंगी। और ओवर वाटरिंग इसमें नहीं होना चाहिए दोस्तों, ओवर वाटरिंग अगर होगा तो भी इसकी पत्तियाँ पीली होंगी और पीली होकर गिर जाएंगी। और पानी जैसे हफ्ते में आप पानी दे सकते हैं 2-3 बार, लेकिन ओवर वाटरिंग जैसे हमेशा पानी इसके गमले में भरा नहीं होना चाहिए, हमेशा अगर भरा रहेगा तो इसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी और पीली होकर वो गिर जाएंगी, सारी पत्तियां पीली होंगी अगर बहुत ज़्यादा पानी हमेशा इसमें भरा रहा। और ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, और इसको फुल सनलाइट में रखिए। और इसमें गोबर की खाद है, और गोबर की खाद दे सकते हैं, या फिर जो है जैसे कोई भी जो है, कभी कभी देखा होगा बहुत सारे इसमें फंगल लग जाता है, तो मैंने नीम का फर्टिलाइज़र बनाना बताया है आप लोगों को, वो आप देख सकते हैं और बना के पूरे प्लांट में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों नीम का फर्टिलाइज़र। पेस्टिसाइड मैंने बताया है आप लोगों को, तो वो प्लांट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मैंने यूज़ किया है तो मैं बताती हूँ कि अच्छा काम करता है। तो आप लोग जो है इसी तरह प्लांट की केयर कर सकते हैं। मैंने छोटी सी बाल्टी में लगा रखा है, लेकिन इसकी हाइट तब भी आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको कुछ ऐसे लुक में दिया है, गोल शेप में, और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। आप लोग इसी तरह फाइकस प्लांट को अगर ओवर ज़्यादा बढ़ गया है तो आप लोग इसको कटिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग का मतलब होता है काट छाट करना प्लांट की। दोस्तों जिनको नहीं पता है प्रूनिंग क्या होता है तो मैं बता दूँ, कटाई छटाई करना प्लांट की। तो आप लोग इसी तरह करिए अगर बड़ा प्लांट हो गया, क्योंकि मुझे तो वो गमले में प्लांट जो होते हैं वो बहुत छोटे ही अच्छे लगते हैं, छोटे प्लांट होते हैं तो देखने में भी उनका लुक अच्छा लगता है और हम आसानी से उसकी केयर भी कर पाते हैं।
तो इसीलिए गमलों में प्लांट छोटे ही अच्छे लगते हैं। अभी बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा जंगल सा हो गया है हमारा गार्डन, तो उसकी भी प्रूनिंग हम बहुत करेंगे, अक्टूबर तक करेंगे। जब हल्की हल्की ठंडक शुरू होगी तब सारे प्लांट हम छोटे छोटे करेंगे। ये देखिए काफ़ी जंगल जैसा हो गया है, तो प्रूनिंग करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक के करेंगे। लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको तो मैंने किया है। ये फाइकस के प्लांट की आज मैंने प्रूनिंग करना बताया। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर दोस्तों बताइए, और कमेंट में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।